Brought to you by Physics Wala. बिहार के पूर्णिया जिले में तैयार है बिहार का सबसे पहला ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट। ये विकास के क्षेत्र में नई इबारत लिखने वाला है। पूर्णिया के नगर प्रखंड के परौरा में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ईस्टर्न इंडिया बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड के ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि सूबे में कई और इथेनॉल प्लांट का काम हो रहा है। इस तरह बिहार देश का इथेनॉल हब बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इथेनॉल है क्या। तो ये एक तरह का अल्कोहल होता है जिसका इस्तेमाल पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि इस प्लांट के शुरू होने से क्या क्या लाभ होने वाला है। तो आपको बता दें कि इससे सीमांचल के विकास का द्वार भी खुलेगा। 105 करोड़ के प्रोजेक्ट वाला ये प्लांट किसानों के लिए वरदान साबित होगा। पूर्णिया समेत सीमांचल के चारों जिलों में मक्का और धान का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। प्लांट में रोजाना 165 टन मक्का और 120 टन राइस हक्स की खपत होगी और लोगों को सही दाम पर मक्का मिलेगा। इससे प्रतिदिन 65,000 किलोलीटर इथेनॉल का उत्पादन होगा। अच्छी बात यह है कि इस प्लांट में प्रतिदिन 2.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा, जिससे ये प्लांट चलेगा। प्लांट खुलने से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बात करें तो करीब 250 लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको बता दें कि सूबे में पहले चरण में 17 इथेनॉल इकाई लगेगी। सुनिए ये प्लांट लगाने के पीछे संचित वर्मा, जो कि यहाँ के MD हैं, उनका क्या मकसद था। हमारे प्रमोटर जो सारे हैं, हम सारे बिहार से हैं, हम दरभंगा से हैं, कुछ कहीं और से हैं, और हम लोग को बहुत सालों से ये हमेशा चाह थी कि हम बिहार में कुछ फ़ायदा लाएं और बिहार के किसानों को जिससे फ़ायदा हो। तो तब सेंट्रल गवर्नमेंट का और बिहार गवर्नमेंट का पॉलिसी आया एथेनॉल का, और हम लोग का भी थोड़ा एक्सपर्टीज है, तब हम लोग को ये आइडिया आया कि यहाँ पे हम लगा देते हैं, यहाँ पे मक्के के किसानों को और चावल के किसानों को फायदा हो सकता है और बिहार को भी फाइनली उद्योग में थोड़ी बढ़ावा मिलेगी। बिहार में उद्योग का विकास शुरू होने के पीछे उद्योग मंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार में सालों बाद उद्योग जगत में कुछ अलग होने का प्रयास हुआ है। इस मौके पर आए उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन का क्या कहना है, ये भी सुनिए। यहाँ पे इथेनॉल का प्लांट बन रहा है, बन गया है, अब सीमांचल के लिए भी बहुत बड़ी बात है। लोग कहते थे कि उद्योग नहीं लग सकता, एक सुई का कारखाना नहीं लग सकता, और जब हमें उद्योग विभाग मिला था तो कैसे ताने दे रहे थे। अब आकर देखें कि कैसे उद्योग लग सकता है। असंभव को संभव किया जाएगा, नामुमकिन को मुमकिन किया जाएगा, बिहार में उद्योग लगा के दिखाया जाएगा, और ये लगना शुरू हुआ है। एक महीने में 2 बार मुख्यमंत्री जी ने 2 बड़े प्लांट का उद्घाटन किया और कई जगह प्लांट बना हुआ है, उसका भी हम लोग उद्घाटन करें। कहा जा रहा है कि यहाँ के लोगों को काफी फायदा इससे मिलने वाला है। हाँ, तो मिलेगा ही, किसानों को बहुत फायदा। फिलहाल बिहार को 36 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल की आपूर्ति का कोटा मिला है। ऐसे में हम यही कहेंगे कि अगर बिहार में इथेनॉल की उत्पादन क्षमता के हिसाब से कोटा मिला तो ये न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा इथेनॉल हब बनकर उभरेगा। पूर्णिया से संतोष नायक की रिपोर्ट, बिहार तक।